दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं MG हेक्टर के बारे में। ये कार है जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है, अभी नई कार लॉन्च हुई है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हमें देखने को मिलते हैं जो कि पहली बार हमें इस सेगमेंट की कार के अंदर देखने को मिलते हैं। क्या क्या फीचर हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले गाड़ी का जो है एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं, बाहर से गाड़ी दिखने में कैसे होने वाली है। फ्रंट में आप देखेंगे इसके अंदर अच्छे खासे क्रोम का काम किया गया है। इसके अंदर सारी लाइटें हमें जो है LED के अंदर मिल पाती है। टेल लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, जो भी लाइटें हैं, हेडलैम्प हो गया, कुछ भी हो गया, सारी हमें मिल पाती है LED के अंदर। ये इसके अंदर सबसे अच्छी बात है। और यदि इसके बैक के अंदर हमें देखते हैं तो हमें जो टेल लाइट है उसकी एक नई डिजाइन हमें देखने को मिलती है, जो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसा कि हमें मारुति की वैगनार के अंदर जो फ्रंट लाइट है उसे अटैच करके पूरी को एक जैसा ही दिखाया गया था, वैसा ही इसके अंदर किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी कूल फीचर है। इस गाड़ी की मेन जो हाईलाइट है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है एक 10 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, इसके अंदर हमें मिल जाता है, इनबिल्ट आता है। उसके साथ ही इस गाड़ी के अंदर हमें जो है वॉइस कमांड भी जो है मिल पाता है। 100 से ज़्यादा वॉइस कमांड इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं, तो हम इस गाड़ी को जो है सिर्फ बोलने से कंट्रोल कर सकते हैं। और भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं, बात करेंगे उन्हीं फीचर के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दीजिएगा, और उसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। तो देखते हैं इस कार के अंदर क्या क्या फीचर हमें मिल पाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस कार के अंदर हमें मिल जाती है 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके अंदर मिल पाती है, और जो अपग्रेडेबल है 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर, यानी इस कार को आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं, ये फीचर इसके अंदर आपको मिल पाता है। इसके साथ ही इस कार के अंदर जो हमें एक और फीचर मिल पाता है वो ये है कि इसके अंदर हमें जो है 360° कैमरा व्यू मिल जाता है। आप पूरी कार को सिर्फ कार के अंदर से ही देख सकते हैं, एक बटन प्रेस करके आपको जो कार के जो पार्किंग के अंदर कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली है। सबसे पहले जो मैं बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि एक SUV है, कॉम्पैक्ट SUV है, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। ये जो है एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। जैसा कि इसके यदि कॉम्पिटिटर की बात करें इंडिया के अंदर, तो हमारे पास कॉम्पिटिटर है इसका टाटा हैरियर जो है इसका कॉम्पिटिटर है, और जीप कैंपस जो है वो 4x2 इसका एक जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। तो इस गाड़ी के अंदर यदि इंजन की बात करें तो इसके अंदर जो है हमें 2 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि सेम इंजन हम जीप कैंपस के अंदर देखने को मिलता है फिएट का, और जो सेम इंजन हमें देखने को मिलता है टाटा हैरियर के अंदर। और यदि बात करें इसकी टायर की साइज़ की, यदि इसके टायर थोड़े से यदि बड़े होते तो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अंदर जो है हमें 17 इंच के जो है टायर देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं, और बाकी गाड़ी की डिज़ाइन जो है बड़े ही कमाल की है। इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ हमें देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसके जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर हमें 6 एयरबैग मिल जाते हैं, और यदि बेस वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर हमें 2 एयरबैग मिल जाते हैं। ABS, EBD, हिल असिस्टेंट, ESD, ये सारा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इससे बड़ी यदि हम कमाल की बात करें तो इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है कि इस गाड़ी को आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपके फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, उससे आप गाड़ी को बड़े ही कमाल से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो इस सेगमेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉइस कमांड दी गई है, लेकिन वॉइस कमांड के अंदर एक खास बात है भैया, ये मैं सीधी बात कह देता हूँ, ये गाड़ी हरियाणा के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि इस गाड़ी को आपको बड़े ही तमीज़ के साथ इस गाड़ी के साथ पेश आना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी आप इसे वॉइस कमांड देते हैं तो आपको पहले आपको इसको बोलना होगा हेलो MG, उसके बाद में आपको बोलना होगा, जैसे कि आपको सनरूफ खोलना है तो प्लीज़ ओपन द सनरूफ, तो आपको प्लीज़ जो लगाना है वो ज़रूरी है। ये बिना प्रार्थना किए आपका काम नहीं करने वाली, और हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं होता, तो ये गाड़ी हरियाणा के लिए तो नहीं बनी, जस्ट जो कर रहा हूँ। वैसे ये बता दूँ ये रोडिंग के लिए नहीं है, इसके अंदर हमें जो है फ्रंट व्हील ड्राइविंग इसके अंदर मिल पाती है। इसके अलावा यदि इसके और फीचर की बात करें तो मैं आपको तकरीबन सारे फीचर बता चुका हूँ। इसके अलावा इसके अंदर जो है हीटेड ORVM हमें इसके अंदर मिल जाता है, ये भी एक अच्छी बात है। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो इसके अंदर बूट स्पेस इतना ज़्यादा दिया गया है, इसके अंदर हमें लगभग 600 लीटर का जो है बूट स्पेस मिल जाता है, 587 लीटर का है एग्जैक्ट। तो ये स्पेस के मामले में तो इस कार का कोई भी कंपटीशन ही नहीं है। इतनी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी लंबी है, ये बात है, लेकिन इसके जो है बॉडी रोल हमें इसके अंदर नहीं मिल पाता है। सबसे अच्छी बात ये बॉडी रोल ना के बराबर है। और यदि इसके स्टेयरिंग की बात करें हमें तो स्टेयरिंग जो काफ़ी कंफर्टेबल है, डैशबोर्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसका जो स्टेयरिंग है वो 2-way एडजस्ट होता है। और इसकी यदि बात करें तो इसकी जो है
पांचों की पांचों सीट जो है वो एडजस्टेबल हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यदि बात करें पिछली रो की, तो पिछली रो के अंदर जो है हमें अच्छा खासा हेडरूम और नी रूम इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, और आप जो है किसी भी सीट पे बैठ के इस गाड़ी को वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कमांड के अंदर काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, ये आपके लिए कॉल कर सकती है और आपका जो है विंडो जो है वो क्लोज या ओपन कर सकती है, सनरूफ खोल सकती है, और भी काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। और ये वॉइस कमांड जो है ये जो है आगे आने वाली अपडेट है, ऑन द एयर अपडेट होती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है एक वर्चुअल कनेक्टिविटी, वर्चुअल सिम आपको मिल जाती है 4G की, जो कि वर्चुअल सिम है, फिजिकल सिम नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिसके अंदर ये एक प्रीपेड वर्चुअल सिम आपको इसके अंदर मिल जाती है कनेक्टिविटी के लिए, यानी दुनिया के आप किसी भी कोने में रहें, आपकी गाड़ी आपसे अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं इस गाड़ी को। यही इसके कुछ फीचर थे। और यदि इसके फीचर के बारे में हम बात करें, तो इसके अंदर जो है हमें 8 इसके अंदर इंटीरियर के अंदर लाइट देखने को मिल जाती है। और बाकी जो है यदि बात करें इसके अंदर स्पेस, तो स्पेस अच्छा खासा दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से यदि इस गाड़ी को एक SUV बनाना चाहिए, मिलना चाहिए था 4x4 का इसके अंदर ड्राइव ऑप्शन मिलना चाहिए था, और टायर की साइज थोड़ी सी ज़्यादा होती तो गाड़ी का मजा ही कुछ अलग होता। और यदि इस गाड़ी की प्राइस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करें, तो इसका जो इसके अंदर हमें जो है बेसिकली 3 इंजन ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। एक 2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 170 PHP की पावर कंज्यूम पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है। दूसरा है यदि हम बात करें, इसके अंदर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 6 स्पीड में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके अंदर, तो हमें जो है पेट्रोल का एक और इंजन मिल पाता है, 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन जो है इसके अंदर मिल जाता है, जो कि 145 PHP का जो है पावर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये इस गाड़ी के कुछ फीचर थे। आशा करते हैं आपको गाड़ी जरूर पसंद आएगी। गाड़ी पसंद आए नहीं आए, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करके। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कुछ कमी लगी आपको वीडियो को, तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम हमारे आने वाले वीडियो में ये जो जिस कारण से आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकें और आपके डिसलाइक को लाइक के अंदर हम कन्वर्ट कर सकें। तो ये था इस गाड़ी के बारे में। हाँ, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।